हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा कि आप में से बहुत लोगों की कंसल्टेशंस आती है, मैम मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है, क्या करूं? तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ किया जाए, इस थर्ड पार्टी को कैसे डिसॉल्व किया जाए, इस पर कुछ बात की जाए आप लोगों से। कुछ तो करना पड़ेगा इस थर्ड पार्टी का। मतलब जब आपका बबल फेज़ होता है, ये डीएम लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं और अपना एडिक्टेड बना के रन कर चल जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, और आपको तड़पता छोड़ देते हैं। यहाँ तक तो काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। जो टाइम उनको आपके संग स्पेंड करना चाहिए, जो एनर्जी उनको आपके संग स्पेंड करना चाहिए, जो इमोशंस उन्हें आपको देना चाहिए, वो किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होनी तो नहीं चाहिए बट आप लोगों को तकलीफ़ होती है। और तब फिर आप लोग मेरे पास आते हो कि मैम जिसको मेरे डीएम को वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया है, वो मुझसे दूर हो गया है, वो थर्ड पार्टी में है और बहुत दर्द में होते हो। तो चलिए इस दर्द को डिसॉल्व करें, इस थर्ड पार्टी को आज डिसॉल्व करते हैं। तो पहले तो समझते हैं थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। आप लोग ये जानते हो कि थर्ड पार्टी मतलब कि या तो आपके पर्सन की हस्बैंड या वाइफ, या थर्ड पार्टी मतलब कि अगर वो अनमैरिड है तो कोई एक्स्ट्रा उनका दूसरा अफेयर, या थर्ड पार्टी आप लोगों को पता है और क्या क्या होती है। थर्ड पार्टी कुड बी उनका अपना करियर, स्टडी, जॉब, फैमिली जो कि अप्रूव नहीं कर रही है आपको, पेरेंट्स, या उनके कुछ अपने स्पेशल स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है, या कुछ नहीं तो उनका ईगो जो मजबूर कर देता है कि वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। बट इज़ इट रियली सो, वो मजबूर करते हैं या आप करते हो? एक्चुअली होता क्या है, जो आप इस जर्नी पे जब आप अपने डीएम से मिलते हो और एक इतना इंटेंस ये कनेक्शन होता है और आप एकदम से कोई इतना गहरा प्यार मिल जाए, बिल्कुल एक किसी को जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, है ना, बहुत देर से पानी के लिए तड़प रहा है, वो एकदम से मिल जाए, तो फियर की एनर्जी में आ जाते हैं कि अब इसको हम खो ना दें। किसी कोई एक ऐसा इंसान ज़िंदगी में अब आया है जो बिल्कुल जिसके लिए जैसे हमारी आत्मा सदियों से तड़प रही थी, इतने अफेयर्स हुए, ये बात नहीं थी, पर इस इंसान को देखते से ही पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल मेरे जैसा, बिल्कुल एक फीलिंग ऑफ होम, जब कब से जानते हैं। और जब आप इस एनर्जी में, दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है, ऐसा लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं और इतना अच्छा लगता है, फिर ऐसे लगता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी से चले ना जाए, एकदम से इतनी खुशियाँ संभालते बनती नहीं है और कहीं ना कहीं हम डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, हम फियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, लगता है कि यार मैं खो ना दूँ। और तभी उसी टाइम पे हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं, हमारे वुंड सरफेस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करने लगते हैं, उनको मैसेज करने लगते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, ब्ला ब्ला ब्ला, शिकायतें, तुमने उसको क्यों लाइक दिया, तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स क्यों हैं, या तुम लाइक इस प्रकार से इतनी पाबंदियाँ उनकी ज़िंदगी में लगा देते हैं कि वो आपके ब्लॉकेजेस और आपके वुंड्स के कारण से बेचारे डर के भाग जाते हैं, आपसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप ही ने ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो फिर ये सिचुएशन डिसॉल्व कैसे होगी डिसॉल्व? अगर आपने मैनिफेस्ट किए तो आप ही डिसॉल्व कर सकते हो, राइट? तो अब स्टॉप कर्सिंग द थर्ड पार्टी। आप लोग क्या करते हो, अच्छा डीएम थर्ड पार्टी में है तो उसको कर्स कर रहे हैं, उस पर गुस्सा हो रहे हैं, पूछते हैं इज ही रियली माई ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, या थर्ड पार्टी को कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं, अरे भैया आपने मैनिफेस्ट किया था, देर इज़ नो पॉइंट कि आप थर्ड पार्टी को आप कर्स कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप ही के हाथ में है एंड वेरी
इन वेरी ऑथेंटिक वे, ठीक है, इस जर्नी पर पूरा करके, इस जर्नी को पूरा करके। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप जो अभी देख रहे हो वो एक 3D पर्सपेक्टिव है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, अपना ईगो बेस्ड पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आप हमेशा ईगो से ही ऑपरेट करोगे। ईगो इज़ ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड बाई द एंगर, जेलेसी, क्रिटिसाइज, ब्लेमिंग, एवरीथिंग। तो हमको सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द 5D पर्सपेक्टिव। और 5D पर्सपेक्टिव में आप हमेशा यूनाइटेड हो, ठीक है, आप हमेशा एक, ये जो आपका बॉन्ड है ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, देर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, जिसके कारण से आप एक बार अपने पर्सन से मिलने के बाद अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो हम लोग ऑलरेडी एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। सी सेकेंड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो यू नो इस जर्नी पे, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी पे, जो कि आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो, आपकी जो भी इनर रियलिटी है विल बी योर आउटर रियलिटी फॉर श्योर। मेरे पास बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और डरे रहते हैं, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड, मैं वो आएगी कि नहीं आएगी, फियर, उसको खोने का फियर, वो ज़िंदगी भर के लिए चली तो नहीं जाएगी, वो कभी मुझसे लाइक इस प्रकार से आपके या DM वो कहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, फिर से उसे मुझसे प्यार होगा कि नहीं होगा, या वो हमेशा के लिए मैं उसको खो तो नहीं दूंगी। तो जो भी नेगेटिव रियलिटी आप अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बिल्कुल आग बाहर होगा। अब आप समझें, अगर आप अपने अंदर एक लैक की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई एम नॉट इन यूनियन, आई एम इन सेपरेशन, मैं अपने DM से अलग हूँ, मेरा DM मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है, वो मुझसे चिढ़ता है, उसे नफरत करता है, वो मेरी शक्ल भी देखना चाहता है, आप बार बार अपने अंदर यही सोचते रहोगे तो लिटरली आपकी आउटर रियलिटी में यही होने वाला है। सो वॉट एवर यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर आउटर रियलिटी, आपको अंदर वही सोचना है। इस जर्नी पे फॉर श्योर वही होता है जो आपके अंदर की रियलिटी है। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग इतने सारे सबकॉन्शियस हीलिंग में आप लोग को एफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस देते हैं, कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव विजुलाइज करेंगे, आप अपने, अगर आपको अभी अंदर फील नहीं होता आपका पर्सन, क्योंकि अभी आप 5D तक पहुँचे नहीं हो, तो स्टार्ट फीलिंग लाइक कि हम ऑलरेडी एक हैं, वी आर ऑलरेडी वन, वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड, देर इज़ नो सेपरेशन कॉन्शियसनेस बिटवीन अस। ठीक है, वो फॉर द टाइम बीइंग थर्ड पार्टी में है, फॉर द टाइम बीइंग, कि यहाँ पर मुझे भी मेरी अवेकनिंग प्रोसेस पूरी करनी है, वहाँ उसको भी कर्मा क्लियर करना है, उसे भी कुछ लेसन लर्न करना है, एंड देन वी विल बी सून रीयूनाइटेड। तो सून, इनफैक्ट आप ये सोचिए कि हम ऑलरेडी एक हैं 5D सेल्फ में, वी आर वन, और ये ट्रुथ है, ये सोचना भी नहीं है, ये ट्रुथ है। तो अगर आप अंदर अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, और लाइफ में सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, हर जगह, कि दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव समथिंग एंड यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर हैप्पी, तो हर चीज़ आपकी वैसे ही होएगी आपकी आउटर रियलिटी में जो आप फील करेंगे। यू कैन मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप, यू कैन मैनिफेस्ट अबंडेंस, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, गुड करियर, गुड जॉब, एवरीथिंग, जब आप अपने अंदर उसको मैनिफेस्ट करेंगे, फील करेंगे कि आई एम ऑलरेडी गेटिंग द गुड अबंडेंस, आई एम ऑलरेडी गेटिंग द गुड जॉब, यू नो आई एम डूइंग वेरी गुड, आई एम ब्लेस्ड, मुझे मेरे मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, एवरीथिंग, मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड हेल्थ वाइज, आई एम फिट एंड फाइन, लाइक एवरीथिंग। जितना आप अंदर पॉजिटिव सोचेंगे आपकी आउटर रियलिटी उतनी वो ही होगी। बट हर वक्त आप चेजिंग की एनर्जी, ऑब्सेशन की एनर्जी, ब्लेमिंग की एनर्जी, ब्ला 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 ब्ला, और ट्विन के लिए थर्ड पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एंगर कर रहे हैं, तो आप वही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ, द वे वी कैन डिसॉल्व दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, अनदर थिंग इज दिस, देखिए आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दीजिए। ठीक है, मतलब नॉट विद द ईगो, मतलब ईगो बेस्ड लव नहीं करना है कि वो अभी मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं चिढ़ूंगी। जो पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो 3D में वो किसी के साथ है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, दिस इज द टाइम बीइंग इल्यू पर्सपेक्टिव और इल्यूजन,
दिस इज़ नॉट अ रियलिटी. गिव हिम द सोल लेवल लव, जिस लव में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है. एक ट्रू अनकंडीशनल लव हमेशा दीजिए आपको, क्योंकि आप फाइव, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड इन 5D, 5D में आप एक ही हो, तो आपको वो सोल बेस्ड लव, वो ट्रू लव, वो अनकंडीशनल लव अपने DM को देना है, दैट यू नो एवरीथिंग इज ड्रामा. आप 5D के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो एवरीथिंग इज ड्रामा. ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है कि जिससे आपकी असेंशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए. आप अपनी सारी लेयर्स को उतार लो, आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर लो, आप अपने सारे वुंड्स को हील कर लो, एंड देन दिस पर्सन विल बी ऑलवेज बी योर्स, ठीक है. इनफैक्ट वो आपका ऑलरेडी है. सी लेट मी टेल यू, ये जो जर्नीज मैंने परसों वीडियो में कहा था कि ये यिन यान का कनेक्शन है, ये एक पुश पुल का कनेक्शन है, ये एक यू नो एक कैट एंड माइस का कनेक्शन है. तो इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना, एक रोप में गांव में एक गेम होता है मेले में, कि एक रोप पे रस्सी पे एक लड़की चलती है. आई थिंक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले भी दिया था, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग विद दिस एग्जाम्पल. तो जैसे छोटी बच्ची या कोई भी रोप पे चलते हैं, होल्डिंग द बार एंड वेरी बैलेंसिंग, है ना, गिर ना जाए. तो कुछ ये जर्नी ऐसी है कि जहाँ आपने अपना बैलेंस छोड़ा, जहाँ आपने नेगेटिव सोचा आपने DM के लिए, ठीक है, तो भी वो रन कर जाएगा, और जहाँ आप हाईली इमोशनल हुए वहाँ भी वो आपसे रन कर जाएगा, ठीक है. बिकॉज देखिए, समझ लीजिए कि अभी इस वक्त आप जितना उनको इमोशंस दिखाओगे, जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था, इमोशंस दिखाओगे तो वो आपसे रन करेंगे, वो आपके इमोशंस के बदले लौट के नहीं आएंगे, बिकॉज पोलैरिटी, ठीक है. या अगर हम कहें और इजीली कि आप अपना ढेर सारा प्यार उनको देना चाहते हो, एज्यूम लाइक अ स्वीट बॉक्स, एक मिठाई का डब्बा है जो आपको ढेर सारा उनको देना है, ठीक है. राइट नाउ ही इज़ नॉट अलाउड टू हैव योर स्वीट्स, योर लव, क्योंकि भगवान ने प्लान बनाया, जब तक कि ये DF इवॉल्व नहीं होगी, ये DM ओपन नहीं होगा, राइट. तो अब वो क्या करेगा, जो आपने स्वीट बॉक्स दिया है ना अपने प्यार का, वो किसी और को दे देगा. आप लोग क्यों कहते हो ना, आप लोग बोलते हो ना कि मैम जितना जो जो प्यार मैं उसको दे रही हूँ वो थर्ड पार्टी को दे रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट अलाउड टू हैव योर स्वीट्स. तो क्या करेगा वो मिठाई किसी और को दे देगा, थर्ड पार्टी को. सो डोंट क्रिएट सच यू नो सिचुएशंस. तो इसी लिए कहा जाता है कि इतने इमोशनल मत होइए अपने DM के लिए कि वो जो मिठाई आप उनको दे रहे हैं वो किसी और को दे दे, ठीक है. तो आपको ना तो ईगो से ऑपरेट करना है, मतलब कि आपको ना तो ईगो बेस्ड लव करना है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ, थर्ड पार्टी को क्रिटिसाइज़ करूँ, गुस्सा करूँ, लड़ूँ, ब्लेम करूँ, ब्ला 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 ब्ला. और ना ही हमें इतना इमोशनल होना है कि हम इतना उसको ओवर फीड कर दें, इतनी मिठाई खिला दें कि वो किसी को, किसी और को हैंड ओवर कर दे. दिस वे यू कैन डिसॉल्व योर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है. तो ऑलवेज ट्राई, जैसे मैंने एक बात बोली ना कि आपका सिग्नल आपके यूनिवर्स से हमेशा आपकी फ्रिक्वेंसी अगर मैच करेगी तो आपको यूनिवर्स भी सिग्नल देगा. सिमिलरली विद योर पर्सन, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करके मैच करो, ठीक है ना, हमेशा लाइक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहो, बैलेंसिंग में रहो. आप अगर अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड तो आप अपनी मिरर सोल से भी कनेक्टेड रहोगे. तो इस जर्नी पे आपको पहले क्या करना है, आपको इनर वर्क करना है, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, अपने सारे वूंड्स को हील करना है, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन करना है. जैसे आप इनकार्नेट हुए थे उतना ही प्योर पहले होना है, देन यू विल कनेक्ट टू योर ओन हायर सेल्फ. और अगर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो आप हो जाते हो, यू कैन फील योर हायर सेल्फ, तो आप अपने मिरर सोल को टेलीपैथिकली यूनाइटेड फील करते हो 5D पे, ठीक है. तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होएगी, मींस अब आप बैलेंस में आ गए हो, यू आर रनिंग वेरी वेरी केयरफुली इन द रोप, आपका अपनी फ्रिक्वेंसी अब आपके DM से मैच कर रही है, यू नो, तो आपका DM आपके सिग्नल पकड़ने लगेगा. एंड नेचुरली वो एक नेचुरल शिफ्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी और वो आपके करीब हो जाएंगे. एंड सी, ये थर्ड पार्टी डिसॉल्विंग नेचुरली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, एंड टोटली
इन योर हैंड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, जैसे जैसे आपने बैलेंसिंग प्रैक्टिस करी, वेरी केयरफुली वॉकिंग ऑन द रोप, यू आर बैलेंस्ड, ठीक है, यू आर न्यूट्रल, यू आर नॉट गिविंग मच इमोशंस, यू आर नॉट इवन ऑपरेटिंग विद द ईगो, राइट, योर पर्सन विल कनेक्ट, यू विल बी कनेक्ट विद योर पर्सन्स फ्रिक्वेंसी. जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी को वो कनेक्ट करेंगे, वो आपको सिग्नल देंगे, और जैसे जैसे आप लोग आपस में कनेक्ट होते जाओगे, थर्ड पार्टी डिसकनेक्ट होती जाएगी, जो कि अभी आप डिसकनेक्टेड हो अपने पर्सन से. दैट्स द टॉप सीक्रेट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, ठीक है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.